ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल करते हुए 16 नगर निगमों में से बीजेपी ने 9 पर जीत दर्ज की है। खुशी मनाने के लिए ये जीत काफी है, लेकिन जश्न के लिए नहीं। जी हाँ, पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 16 नगर निगमों में भगवा परचम फहराया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो पाया। सत्ता में रहते हुए भी सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का या तो इस बार जादू नहीं चल पाया, या फिर सीएम शिवराज इस बार की तुलना में काफी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ऐसे में सियासी गलियारों और पार्टी के भीतर से जो आवाज निकल कर आई है वो है शिवराज के ओवर कॉन्फिडेंस की। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पार्टी के दिग्गज नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। जी हाँ, उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है कि प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन उनके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही गिरा है। विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा कि शिवराज अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय कार्यकर्ताओं के। आपको बता दें, 2 चरणों में हुए मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही एमपी की शहर सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। 16 नगर निगमों में बीजेपी के 9, कांग्रेस के 5 महापौर प्रत्याशी जीते हैं। भले ही बीजेपी अपने प्रदर्शन से खुश है, लेकिन 16 से 9 पर आना भाजपा के लिए कई सवाल खड़े करता है। भाजपा ने इस चुनाव में ग्वालियर मुरैना में तो मात खाई ही खाई। इसके साथ ही कटनी में अपनी ही बागी ने उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ मुरैना में कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दी है। नगर निकाय चुनाव को कुछ लोग विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का सेमीफाइनल कह रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनावों में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो बता दें, बीजेपी के दिग्गज नेता एवं पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस बार मतदाता सूची जो बनी है वह हमारे लिए अलार्मिंग है। इसमें प्रशासन की भूमिका कितनी है, चुनाव आयोग की भूमिका कितनी है, ये देखना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वभाव ऐसा है कि वो अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें कार्यकर्ताओं पर भी उतना ही विश्वास करना चाहिए। यदि उन्होंने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया होता तो शायद ये गलती नहीं होती। इसमें चूक कहाँ हुई है यह हम जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अधिकारी जिम्मेदार है। विजयवर्गीय के इस बयान के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत के गर्म होने के आसार जरूर है, लेकिन बीजेपी आलाकमान को विरोध के स्वर शांत कराने में महारत हासिल है। बता दें, कुछ सियासी जानकारों का तो ये भी कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में खुद को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि निकाय चुनाव के परिणाम के आधार पर बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकता है। इसके कयास तो बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम इस और अधिक इशारा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के बाद कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में खुद को सबसे आगे मानते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरह की बयानबाजी कर वे अपने आप को भले मजबूत दावेदार समझ रहे हों, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।